चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते एवरीवन, रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म का ये हमारा अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अगर आपको बेसिक्स नहीं देखना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर भी जंप कर सकते हैं। अब बेसिक्स में एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब हमें क्वेश्चन मिलता है हमें ये देखना होता है कि वो क्वेश्चन इन दो टाइप्स में से किस टाइप को बिलोंग करता है। अगर वो किसी भी टाइप को बिलोंग करता है, इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो अच्छी बात है, हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे। बट अगर आपका क्वेश्चन इन दो टाइप्स में से किसी भी टाइप को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, तो हमें उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसी को रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए हम अलग अलग मैथड्स अपनाते हैं और उनमें से एक मैथड है रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म। अब इस मेथड में क्या करना पड़ता है, ये मेथड ये कहता है कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो क्वेश्चन इन दो टाइप्स में से किस टाइप को बिलोंग करता है। अगर मान लेते हैं कि वो इस टाइप को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है कि क्या वो क्वेश्चन सच में इस टाइप को बिलोंग करता है। अगर वो सच में इस टाइप को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने लिखी है वो तुम्हें फॉलो कर रही है, और जब तुम फॉलो करोगे तुम्हारा क्वेश्चन इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो फॉर्म है, ये जो टाइप है, ये जो फॉर्म है और ये जो फॉर्म है, दोनों फॉर्म्स सेम है, और इसका मतलब आपने आपके क्वेश्चन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बना दिया, आपने रिड्यूस कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे एज अ सोल्यूशन जो भी चीज़ें मैंने लिखी है तुम्हें बस वो फॉलो करनी है और आंसर निकाल देना है। सिंपल एज दैट, ईजी पीजी, ओके। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी की सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। और एक चीज़, ये जो फॉर्म है इसमें आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे फंक्शन ऑफ y और उसका डेरिवेटिव दोनों के दोनों अवेलेबल होने चाहिए, और दूसरी चीज़ p और q जो है दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ x है या कॉन्स्टेंट है, ओके। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, जो भी कहता है मैटर नहीं करता, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जब तुम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो, तुम्हें क्वेश्चन को देखते से ही चीज़ें दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। और वो जो चीज़ें जो तुम्हें दिखना चालू हो जाता है वो बेसिकली हिंट्स रहती है, तुम्हें क्या करना चाहिए या वो क्वेश्चन इन दोनों में से किस टाइप को बिलोंग करेगा, वो हिंट्स रहती है, ठीक है। अब मैं एक इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, तो मुझे ऐसे चीज़ें दिखना चालू है, ओके। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन को देख के, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ y भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। अब यहाँ पे अगर सपोज हमने इसको एज अ फंक्शन ऑफ y कंसिडर किया, तो अगर सपोज हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया, तो आंसर आएगा 1/y, राइट। तो अगर कोई भी तरीके से या किसी भी तरीके से हम अगर dy/dx के बाजू में 1/y लाने में सक्सेसफुल रहे, तो काफ़ी चीज़ें हमें लाइक सॉर्ट आउट करके मिलेगी, ओके। और ऐसा करने के लिए जो तरीका हम अपनाने वाले हैं उसका और एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि ये y भी चले जाएगा और ये y भी चले जाएगा, और एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन है वो उस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तरीका कौन सा है, अगर हमें यहाँ पे 1/y चाहिए, तो अगर सपोज हर एक टर्म को हम विद रिस्पेक्ट टू y डिवाइड करें, तो यहाँ पे 1/y आ सकता है, सिंपल एज दैट। हमें बस डिवाइड करना है, 1/y चाहिए ना, तो बस हमें डिवाइड करना है, सिंपल एज दैट, वही करना है, तो हम वही करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको y से डिवाइड करेंगे, dy/dx प्लस, अगर इसको y से डिवाइड करेंगे तो वो y चली जाएगा, सो 1/x log y इज इक्वल टू 1/x² log x square। और ये जो है ये बिल्कुल भी इस फॉर्म में, देखो यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे dy/dx, उसके बाजू में डेरिवेटिव और यहाँ पे उसका फंक्शन है, सो उसके बाजू में डेरिवेटिव और यहाँ पे उसका फंक्शन है, दोनों के दोनों लाइक ये फंक्शन ऑफ y है, ये उसका डेरिवेटिव, सिंपल वही हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे p है, यहाँ पे p है जो फंक्शन ऑफ x है, और फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए। देन यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है, ये हमारा q है, और ये फंक्शन ऑफ x ही है, और फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए। तो बेसिकली अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म का है। अब क्योंकि हमें पता है कि ये क्वेश्चन उसी फॉर्म का है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है तुम्हें बस फॉलो करनी है और आंसर निकालना है, राइट। सो क्या सबसे पहले लिखा है, पुट फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू u, सो पुट फंक्शन ऑफ y क्या है, फंक्शन ऑफ y देखो ये है, ओके। अगर कंपेयर किया तो तुम्हें यही पता चलेगा, सो log y इज इक्वल टू यू। देन उसके बाद f'y मतलब डेरिवेटिव, दैट इज 1/y dy/dx इज इक्वल टू du/dx,
ओके, देन डी ई चेंजेस टू डी यू अपॉन डी एक्स, अच्छा नीचे लिखता हूँ क्योंकि वहाँ पे हमें और भी चीज़ें सॉल्व करनी है, सो डी यू बाय डी एक्स तुम्हें बस वो फॉलो करना है, प्लस पी यू, अभी यहाँ पे पी क्या है, क्या है पी, ये हमारा पी है वन अपॉन एक्स और यू एंड उसके बाद इज इक्वल टू क्यू, क्या है क्यू, ये हमारा क्यू है पूरा का पूरा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स द होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ये जो है और ये जो है दोनों सेम है और इसलिए यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने लिखी है एज अ सोल्यूशन तुम्हें बस फॉलो करना है और आंसर निकालना है। एंड यहाँ पे वन मोर चीज़, वाई की जगह पे यू है तो लाइक वेरिएबल डिफरेंस चलता है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है हम फॉलो करेंगे। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे भी पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स ही है तो मैटर नहीं करता। सो सोल्यूशन इज, जो भी सोल्यूशन है सोल्यूशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता होना जरूरी है, तो अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे उसके लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने, आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, सो इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी, क्या है व्हाट इज पी, पी इज दिस वन अपॉन एक्स, सो वन अपॉन एक्स डी एक्स दैट इज ई रेस टू लॉग एक्स, एंड नाउ ई रेस लॉग कट होता है वो हमेशा ही होता है, एंड इज इक्वल टू एक्स, सो बेसिकली आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स, एंड नाउ वी आर गोना प्रोसीड, सो सोल्यूशन इज, so what is the solution, this, so we are just gonna write this first, so that is y into integrating factor and is equal to integration of q into integrating factor and into dx plus c, now we are just gonna substitute, so y, and one more thing, yahan pe y nahi likhna hai, hamesha main galti kar deta hu and paper mein bhi log ye hamesha galti kar dete hain, yahan pe u likhna hai kyunki hum yahan pe y ke jagah pe u consider kiya hai, okay, so u into integrating factor which is x and is equal to integration of q, what is q, this is p and q, so basically this is q, oh my god, this is, oh, square of the log x square and then integrating factor which is x, what we are going to do, this x and this gets cancelled and then dx plus c, right, and now let's sort it out, integration of log x square upon q, right, and now dx plus c, ab yahan pe dekho आगे जो भी फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ वो अपने दिमाग में रखना, ये हमेशा काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली मुझे इसको कंबाइन नहीं करना चाहिए था, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स, ये आता है राइट, प्लस सी। अब जब इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन रेज टू एन होता है और बाजू में उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, ये मैंने मेरे काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है और उसका बाजू में डेरिवेटिव भी है और ऊपर रेज टू n भी है, ये हमारा फंक्शन ऑफ x है, अगर इसको तुमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया तो 1 अपॉन x आता है, मतलब बाजू में उसका डेरिवेटिव है, मतलब बेसिकली वही फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूला का सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज फंक्शन रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, सो दैट इज हमारा फंक्शन लॉग एक्स है, सो लॉग एक्स रेज टू एन प्लस वन दैट इज टू प्लस वन दैट इज थ्री एंड अपॉन थ्री, बस खत्म, ये इसका सोल्यूशन है, एंड बाजू में यू एंड एक्स। अब यहाँ पे ये तो आ चुका है बट हमें आखिरी में हमेशा रीसब्स्टिट्यूट करना होता है, सो रीसब्स्टिट्यूटिंग, अब रीसब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा u किधर है, ये log y हमारा u है राइट, सो log y इंटू x इज इक्वल टू log x क्यूब एंड डाउन दर इज थ्री राइट, थ्री, एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस प्लस c, सो प्लस c प्लस c एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। व्हाट्सअप प्लानटो जो सामी, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इसके मैंने मॉडल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं, नोट्स मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जांपल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे, इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेज कीजिए। और ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने मॉडल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन दो प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है और इसलिए आप यहाँ पर
जाके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉड्यूल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपकी और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, और इसे हम दोनों साथ में मिलके अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं, राइट। इसीलिए अभी का अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।